सरप्राइज। हेलो एवरीवन, फाइनली बस गलत हो गई। हेलो एवरीवन, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल और बस थोड़ी देर में मैं सभी बच्चों को सभी घर वालों को सरप्राइज करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग हैं अपने घर में, मेरे ससुराल में कौन कौन है वो मैं सबसे दिखाऊंगी बाद में। अभी तो चलते हैं, बस 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। सबको सरप्राइज देने जा रही हूँ, उनको नहीं पता है कि हम आज ही आ रहे हैं। उनको ये पता था कि हम 2-3 दिन के बाद आएंगे या 10 तारीख तक आएंगे, लेकिन हम आज ही पहुँच गए हैं। तो देखते हैं अभी क्या रिएक्शन होता है। मनु भी रेडी है मनु। और फाइनली अभी दिखने वाला है हमारा घर, वो ब्लू पिंक में जो है। थोड़ा पास जाके दिखाती हूँ। पहुँच गए हैं हम अपने घर, अभी बैल बजा के देखते हैं। तो फाइनली ये है मेरा घर और अभी देखते हैं बालकनी में कौन कौन आता है। वैसे अभी किसी को नहीं पता कि चाची आई हैं। कोई तो आया है, कौन आया है भैया? पूजा है, कौन है? सरप्राइज। सामने का आज तो सरप्राइज देना बनता है। बेल भी नहीं बजाई मैंने। आजा कुकू, आप देखते हैं। कौन आया? देख ही नहीं पाया कि आया कौन है। देखो देखो देखो, कितने देर के आए लोग? अच्छा, मैं सो रही थी, मेरे को आवाज आई कुछ गेट खटखटाने का, उठी फिर भड़बड़ा भड़बड़ा के चलो फिर वीडियो। ये दोनों लोग स्कूल से अभी आए हैं और इनको लगा है सिर्फ चाची आई है, चाचा नहीं आए। लेकिन चाचा भी आए, ये इनको बाद में पता चला जब चाचा को ऊपर छत देखा जाके। तो फाइनली फिर बाहर से आए थे सफ़र करके, मैंने नहा लिया है अच्छे से, मनु ने भी नहा लिया है, खाना वाना करके मैं थोड़ा यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पे आके मेरा थोड़ा सा गेटअप चेंज हो गया है, अब मैं यहाँ पे लोअर टी शर्ट में नहीं कुर्ती लाके मैं घूम रही हूँ। फैमिली मुझे दुपट्टे में भी तो देखेगी अभी तक नहीं देखा। नहीं, लोअर टी शर्ट में देखा था, तो अब मैंने पहन ली है कुर्ती और ये दुपट्टा मैं नया ही लेकर आई हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में सबके साथ। ये मेरे बच्चों ने बनाया था लास्ट दिवाली पे, वेलकम चाचा चाची। मेरे और मनु के वेलकम के लिए, तो उस टाइम पे ना मैंने अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। ये है मेरी सबसे छोटी भतीजी कुकू, नहीं कुकू इसका लिखने में प्यार वाला, वैसे इसका नाम कृति है लेकिन हम लोग इसको प्यार से बुलाते हैं कुकू। इसी ने बनाया जो चाचा चाची मैंने आपको दिखाया था अभी आप लोगों को, तो ये उसी ने बनाया है। और मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ जो मेरे शोर बच्चे हैं, छोटे छोटे शोर मचा रहे हैं। मैं कौन हूँ बच्चो, बताओ मैं कौन हूँ? ये सब मेरे भतीजे, सब मतलब सबसे छोटा है मनु अपने घर में और उससे बड़े 3 भाई हैं, तो सब बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। वहाँ पे भाभी खड़ी है, कह रही अभी नहीं आ रही, मैं अभी नहीं आ रही, बाद में पूरे पूरे परिवार से मैं मिलाती हूँ आप लोगों को जल्दी, एक अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, एक एक इंसान से मिलाती हूँ आपको जल्दी। मिलती हूँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अच्छा कालू कुछ बोल दो ना, आप इधर आओ, इधर आओ, बोल दो कुछ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ बस।
चलो अब सबसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी मैं थोड़ा शाम हो गई है, थोड़े घर आई हूँ। आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा कम ज्यादा है। हाँ मैं शॉर्ट के लिए कह रही थी, जो शॉर्ट वीडियो पे डाला ना पिंक लहंगे में डांस, वो कृति का ही है और इसने मेरी शादी पे डीजे पे परफॉर्म किया था। जितने भी वो डांस हैं ये सब मेरे भतीजियों के हैं, मेरे बच्चों के, एक एक करके मैं छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ। तो अभी आज भी डाला है मैंने, कल भी डाला है और परसों भी डाला था। चलो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। और फिर शाम हो गई थी, तो कहीं जाते हैं तो गोलगप्पे सब लोग जरूर खाते हैं, तो हमारी भी फिलहाल गोलगप्पा पार्टी रेडी हो गई थी। मनु से गोलगप्पे मंगा लिए थे शाम को हमने, हमने कहा चलो आज गोलगप्पे खाते हैं सब लोग मिलके। तो फाइनली मैं और कृति बैठ गए हैं यहाँ पर गोलगप्पे खाने के लिए, और भी लोग हैं बाद में आएंगे, कैमरामैन भी बाद में आता है और बच्चे बाकी दो सो रहे होते हैं जो स्कूल से आए होते हैं, थक जाते हैं इसलिए। यहाँ पे फैन चल रहा था तो वॉइस बहुत कम आ रही थी जो भी मैं कुछ कह रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्या है क्या रही थी। मैंने म्यूट कर दिया था, नेक्स्ट टाइम क्लियर बोलूँगी। चलो हम खाने वाले हैं गोलगप्पे और कुछ बना के देगी हम दोनों सब मिल के खाएंगे। आओ आप भी आओ वीडियोग्राफर आप भी आओ। तो यहाँ पर छोटी भाभी को बुला रही थी खाने के लिए, छोटी भाभी इधर हैं, इधर बड़ी भाभी हैं और एक भाभी हैं वो गांव में रहती हैं, तो उनसे भी बहुत जल्द मिलवाऊंगी जब गांव में जाऊंगी। यहाँ पे दो भैया और दो भाभी रहते हैं और एक भैया भाभी गांव में रहते हैं मम्मी के साथ, सारे बच्चे यहाँ रहते हैं, सबको स्कूल पढ़ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और कृति बिल्कुल फ्री थी तो कृति पूरा टाइम मेरे संग मस्ती करती है। साल में आके मेरा गेटअप चेंज हो गया है और मैंने आज पहनी है कुर्ती लेगिंग और दुपट्टा जो मैंने नया खरीदा था। और छत पे घूम रही मैं आई हूँ, बंदरों का वेट कर रही हूँ कि बंदर आए तो मैं उनको केले खिलाऊँ। शाम के टाइम ना ऐसे छत पे आना अच्छा लगता है, लेकिन गुजरात में मैं ज़्यादा छत वगैरह पे जाती नहीं हूँ वहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अपने घर की छत ये पूरी छत है और वहाँ पे चूल्हा रखा था, जो मेरी वीडियो मैंने डाली थी कि मेरा जो चूल्हा पूजन हुआ था शादी के बाद, वो वाला चूल्हा, इस चूल्हा इसी छत पे रखा हुआ था। ये और ये मेरे संग ऊपर घूम रही है, अभी इसका एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, ये फ्री है, बाकी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो भी वो थोड़ा पढ़ाई अढ़ाई में बिजी चल रहे हैं, कोई बात नहीं। ये मेरा हमेशा साथ देगी अभी ब्लॉगिंग करने में। शाम का टाइम हो रहा है, चाय वगैरह पी लिया, गोलगप्पे खा लिए, नहीं पहले चाय पी थी फिर थोड़ी देर के बाद हमने खाए थे गोलगप्पे। और आपको एक बात बताऊँ, मनु को यहाँ पे भी जिम मिल गई है और अब वो चला गया है जिम। उसने पता नहीं यहाँ पे भी जिम ढूंढ ली है। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर रात हो गई है, एटलीस्ट 10:30 बज गए होंगे, तो जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं ना, हर एज की लड़कियाँ, छोटी से लेकर बड़ी तक, तो वहाँ पे सब मिलके बैठ के कुछ ना कुछ करती हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सब शॉपिंग करके जो लाई थी जल्दी जल्दी से डी मार्ट से, और तो वही दे रही हूँ, लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिला क्या क्या नहीं मिला। तो मैं अपनी ससुराल में मतलब छोटी हूँ सबसे, इन सब की चाची हूँ, तो मैं ना इन्हीं की तरह रहती हूँ, ये लोग मुझे अपना दोस्त मान के रखते हैं और बहनों की तरह रहते हैं। इनसे बड़ी हो जाती हूँ मैं, एक साइज़ की हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी है वो 8 महीने की है और फिर हम सब एक लाइन से हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नंबर लगा ही है। तो बहुत सारी लड़कियाँ तो मज़े तो आते ही हैं फिर जब सारी लड़कियाँ घूमने वगैरह जाओ, और लड़कियों के तो अलग ही होते हैं ये। फिर चाची से ही सब मेकअप करवाएंगी, चाची से ही सब तैयार होंगे और इतने दिन बाद जाओ तो फिर खूब मस्ती वगैरह तो होती है। अभी हम लोग घूमने वगैरह भी जाएंगे यहाँ पे, तो उसके भी ब्लॉग्स वगैरह डालेंगे और बहुत जल्द मैं अपने पूरे परिवार से आपको मिलवाऊंगी और घर का होम टूर भी दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ससुराल कैसी लगी। तो मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ, हो सकता है ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा लेट जाए तो उसके लिए फिर मैं ट्राई करूँगी जल्दी जल्दी डालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।